नान क्या कर रहे? कहाँ जा रहे? अरे भद्रकाली वाले रोड पे भयंकर लैंडस्लाइड हो रहा। हेलो जी, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम और छोटे को ढेर सारा प्यार। मैं ज्योति नेगी स्वागत करती हूँ आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में, मेरे खूबसूरत से गांव रौली गांव से। आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग के, अभी 5:30 बज रहे हैं और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे मायके वाले घर से। तो आज जा रही हूँ मैं मायके से ससुराल वापसी, और मैं और मम्मी और भाई आ रहे हैं मुझे नीचे रोड में तक छोड़ने के लिए। सुबह सुबह ही बारिश होना शुरू हो गया, हल्की फुल्की बूंदाबांदी, और अंशु तो बड़ी मुश्किल से उठाया मैंने अंशु को आज। अंशु हाय कर दो नानी को, पा कर दो नानी को। नानी बाय। उड़ते कह रहे बाय नानी। तो यहाँ से 5 मिनट का रास्ता है रोड में तक जाने के लिए हमारे घर से, और वहाँ से मेन रोड में तक भाई छोड़ के आएगा मुझे अपनी गाड़ी से, फिर वहाँ से देहरादून वाली टैक्सी में जाएंगे हम। तो हमारे यहाँ से मेन रोड में तक जाने के लिए 1/2 घंटा लगता है और पैदल तो 1 घंटा लग जाता है। भाई भी अपनी गाड़ी ले आया है। इधर देखो नानी को, देखो नानी क्या कर रहे। सर ठीक था? सर ठीक से। चलो नानी को प्रणाम कर दो। डैड दूसरे दिन आना है। अच्छो गीली हो गई सीट गीली हो गई। चल 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 ठीक से चल जा। हाँ जा बाय बाय कर दे नानी को। नानी बाय। कहाँ जा रहे? तो स्टेशन पे भी पहुंच चुके हैं और ऊपर वाली रोड जाती है हमारे गांव के लिए, रौली गांव के लिए, और वहां पे भी 2 सवारी वेट कर रहे हैं गाड़ी का। तो वो लोग भी देहरादून ही जा रहे हैं हमारे साथ ही, उसी गाड़ी में जाएंगे जिस गाड़ी में हम जाएंगे। तो भैया अभी थलीसरण आ चुके हैं नीचे मार्केट में, तो नीचे साइड के हैं टैक्सी वाले भैया। अंशु के दोस्त दिख गए आज सुबह सुबह। अंशु कहाँ है मंकी? ये कौन सा ट्री है? तो फाइनली हमारी गाड़ी भी आ चुकी है। हल्लो काट ली जाना है चाची ओन कोड हल है तुम आप प्रांड डोग यो क्या जो है। सफर में अभी हम 3 धारा पहुंच चुके हैं और यहाँ पे यात्रियों के लिए खाने का प्रबंध होता है, तो अभी हम खाना खाने के लिए एक छोटे से होटल में आ रखे हैं। तो हमारी लंच की थाली आ चुकी है। आज के लंच में रोटियाँ, दाल और ये सलाद, और ये मिक्स सब्जी है, इस पर टिकन भी दाल है। अंशु चलो खाओ, खाना है टेस्टी टेस्टी रोटी। और खाना पीना भी खा लिया है और अजीब सा हो रहा है उल्टी जैसे कि आजकल सावन का टाइम चल रहा है तो रोड जगह जगह पे खराब हो रखी है। यहाँ पे देख सकते हैं ऋषिकेश मोटर मार्ग भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो रखा है, काफ़ी सारा मलबा नीचे गिर रखा है और लोग रोड बनाने पे लगे। ये इतना बड़ा पत्थर भी नीचे रोड पर आ रखा है, देख सकते हैं आप। और सामने कितना प्यारा सा वाटरफॉल बह रहा है पहाड़ियों के बीच में। तो फाइनली 2 बजे हम ऋषिकेश पहुंच गए हैं और 1.5 घंटा हमें जाम में लग गया मार्केट में, और मेरे साथ ही आंटी जी हैं, तो इन्हें ऋषिकेश जाना है अपनी बेटी के घर और मुझे जाना है अब टीरी की बस में। तो सामने हमारे यहाँ की बसें भी लगी हुई हैं, तो आंटी जी का बेटा आ रहा है तो जाना पड़ेगा यहाँ पर आंटी जी के साथ। अंशु के लिए अमरूद ले रही हूँ मैं, अंशु को अमरूद पसंद है ना, काफ़ी बड़े बड़े हो रहे हैं यहाँ पे। तो फकोट की बस भी मिल गई है, अंशु को मैंने बस में भी बिठा दिया है। क्या खा रहे हो?
हैं? मैंगो गुआवा गुआवा खा रहे हो? कैसा हो रहा है? इतना गर्म हो रहा है ना ऋषिकेश आके। अच्छे मम्मा को नहीं दे रहे? दिखाओ, मम्मा टेस्ट करेगी। क्या खा रहे हो आप? मकड़ी का जाल। ये है मक्का, है ना? कैसा हो रहा है? कैसा हो रहा है? नहीं दिखाओ तो। अरे भद्रकाली वाले रोड पे भयंकर लैंडस्लाइड हो रखी है, पेड़ ही पेड़ आ रखे हैं नीचे, और कितना सारा मलबा भी है, इतना जाम लगा हुआ है। एक घंटे से जाम में फंसे हुए हम लोग, अभी तक भी जाम छटा नहीं है। अब जाके सवा 5 बजे पहुंच रही हूँ मैं अपने फोकोल मार्केट में, और मार्केट से मैं काफ़ी नीचे आ चुकी हूँ, ब्लॉक से भी नीचे। अरे यांशु यहाँ टूटे हुए रास्ते की तरफ जा रहे हैं, यहाँ है रास्ता सर। किस्मत अच्छी है, आज सुबह से रोड ब्लॉक थी हमारी ये नंदनगर वाली, लेकिन हमारे आने तक खुल गई थी। काफ़ी जाम भी लगा हुआ था आज ऋषिकेश में, बाप रे 1 घंटे तो जाम में ही फंसे रहे। इसको देखो, आराम से स्लोली स्लोली चलो। कैसे चलोगे? स्लोली स्लोली चलो चलो। आप तो इतनी हालत ख़राब हो गई ना, और अभी यहाँ से आधा घंटा घर जाने में लगेगा पैदल अंशु के साथ। अंशु रास्ता इतना बेकार है ना, यहाँ भयंकर ढलान वाला रास्ता है मेरे ससुराल का। ये मैंने घर के लिए थोड़ी सी सब्जी ली थी और बैग भी टांग रखा है, और अंशु को कैसे ले जाऊँगी मैं अब? अंशु क्या वहाँ मचा, वहाँ मचा, वहाँ गिरने पर लगा, वहाँ गिरने पर लगा, खड़ो चलो चल नीचे चल चल। घर पे भी मैं आ चुकी हूँ, और अभी घर पे कोई नहीं है, असमा लोग पता नहीं कहाँ गए हैं काम करने के लिए, ससुर जी हैं घर। और मेरे पैर में इतनी सूजन आ गई ना, लालू लालू आ गई, लालू लालू आ गई। आते ही हंसों के जुराब काटने लग गया, मैं बदमाश ही है लालू प्रसाद। मम्मी ये क्या? आपके शौक से ले गया था? हाँ? अभी अभी शौक से। हाँ। अरे डॉगी ले गया था। डॉगी। बाबा, हाथ चल चल के पैरों में इतनी सूजन आ गई ना मेरे बाबा। ये देख सकते हैं मेरे पैर कितने मोटे मोटे हो गए ना आज, भयंकर सूजन आ गई मेरे पैर में चल के। हडक गर्म पानी से सेकने पड़ेंगे आज तो पैर। बहुत ज़्यादा थक लग गई है मैं, अब थोड़ा आराम करती हूँ, बाद में मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। अभी चल रही है मेरे शाम की डिनर बनाने की तैयारी। आज के डिनर में बनाने जा रही हूँ मैं भिंडी की सब्जी, तो मैंने भिंडी को पहले वॉश कर लिया है और अब मैं इनको कट करने जा रही हूँ। भिंडी भी मैंने बारीक बारीक काट ली है, और प्याज मैंने मोटा मोटा चॉप कर रखा है, और शिवानी आटा गूंद रही है, और मैं बना रही हूँ सब्जी। कढ़ाई में मैंने तेल भी डाल दिया है और तेल भी चटकने लग गया है, तो हम खाना बना रहे हैं पहाड़ी चूल्हे पर। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, अब मारूंगी मैं इसमें ये सरसों के दाने का तड़का, और मैं भिंडी की सब्जी पहाड़ी साधारण तरीके से बना रही हूँ। तो सरसों के दाने चटक चुके हैं, अब मैं सब्जी डालने जा रही हूँ कढ़ाई में। मैंने प्याज और भिंडी एक साथ ही डाल दिया है, और पहले मैं इसमें मसाले ऐड कर लूँगी, भून लूँगी मैं 5 से 10 मिनट तक। सब्जी को मैंने अच्छे से भून लिया है, अब मैं इसमें ढक्कन डालने जा रही हूँ। सब्जी बनके भी तैयार हो चुकी है, और शिवानी ने गूंदिया था आटा, तो सब्जी को ढक देती हूँ। सामने मैंने चूल्हे पे तवा भी चढ़ा दिया है, और अब मैं रोटियाँ बनाने जा रही हूँ।
तो रोटियां भी बन चुकी है, गर्मा गर्म रोटी, और इस कटोरी में सासू माँ ने रायता बनाया है। और अब करने जा रहे हैं हम अभी का डिनर। तो चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देती हूँ। अगर आपको आज का ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट्स करें, साथ में जो चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।